चलिए फाइनली या आ गया हाथ में। उस लड़का जो आपको धोखा दिया नहीं काटेगा नहीं। हेलो दोस्तों नमस्कार, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल संदेश के सर मित्र पे। अभी भी मेरे पास रेस्क्यू कॉल गया था और फाइनली मैं उस जगह पे पहुंच भी चुका हूँ। फोन किसने किया था? मैंने। इधर आइए। ऐसे हमें लगता है रेड स्नेक होगा क्योंकि यहाँ बाहर है और काफी तेज लोग बता रहे दौड़ रहे। बड़ा साइज है, बिग साइज है। तो कितने टाइम हो गया देखे हुए? आधा घंटा हो गया। अपना नाम पता बताइए। प्रिंस यादव, दक्षिण पट्टी नारी पे, जिला जौनपुर यूपी। कहाँ इसके अंदर गया है? किधर से गया है? वहीं पर है, वहीं पर उसी में से वहाँ पर देखो, वहाँ पर यहाँ। हाँ वही वही वही। ये भैया जगह थोड़ी मोड़ी नहीं होगी, काफी बड़ी जगह होगी क्योंकि ईट रखा है ना जैसे तैसे। हाँ है। यहाँ काफी पुराने टाइम की ईटे उटे रखी है यहाँ पे एडवांस। और क्योंकि यह रेड स्नेक जो होता है काफी फुर्तीला होता है, काफी एक्टिव, यह भागने के फिराक में रहता है। तो यहाँ काफी मुशक्कत करनी पड़ रही है। यहाँ पे ईंट है, यहाँ बच्चे थोड़ा सहयोग कर रहे हैं ईंट को हटाने में और इसको हम आए तो निकाल के ही जाएंगे। फाइनली साफ दिख चुका है रेड स्नेक, ये यानी धामन। नहीं खाली बीच कपड़ा कपड़ा ना। यह देखिए एक कॉमन वुल्फ स्नेक का बेबी, यह हर सेकंड काटता है, बाइट करता है, लेकिन यह जहरीला नहीं होता है। देख रहे हो ना, यह कॉमन वुल्फ स्नेक का बेबी है। यह काटने में माहिर होता है लेकिन यह जहरीला नहीं होता है। अब बताओ, हाँ जहरीला नहीं था, आप कहें जहरीला। देखने में लग रहा है जहरीला नहीं है, इंसानों के लिए बिल्कुल भी घातक नहीं। इसका भोजन है छिपकली, यह छिपकली को खाता है, छोटे मोटे चूहों का सबसे लेकिन पसंदीदा भोजन छिपकली है। यह आज पहली बार यह काट नहीं रहा, नहीं तो हर सेकंड काटता है, जैसे कब पकड़ता है वैसे काटता है, बाइट करता है। ना भजन जहरीला नहीं होता, जहरीला तो इस तरह थोड़ी पकड़ता है, तब सेफ्टी के साथ पकड़ता है। अपने अपने आस्था, हम किसी का आस्था पे उंगली नहीं उठाएंगे और ठीक है, अपनी अपनी श्रद्धा होती है, पूजा पाठ करना अनिवार्य है मन की शांति के लिए थोड़ा। चलिए आप ये बहन जी शंकर जी की पुजारण है, वो भक्ति करती रहती है और इनके सामने सांप ज्यादा पड़ते रहते कहते हैं, तो चलिए ठीक है आपको दर्शन देते रहते हैं, अच्छी बात है। चलिए ठीक है, आज आपका दिन शुभ शुभ होगा। इसको हटाइए आप थोड़ा, बस पकड़ चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सी ईट हटवाइए अभी, तब निकलेगा, ये ईट में दबा हुआ है। हाँ अब ये सब हटा दो यार, पकड़ा हूँ इसको हटाइए, मेरे कब्जे में हो चुका है। और यह रेड स्नेक है, ना और कोई नहीं।
चलिए फाइनली गया आ गया हाथ में ये धामन सर पे नहीं रेड स्नेक है, इंग्लिश में से रेड स्नेक, हिंदी में धामन, यह काटने वाला सर्फ नहीं है, यह किसान मित्र है, यह इंसानों को जल्दी बाइट नहीं करता। किसने बोला नहीं काटेगा नहीं, आप शंकर जी का पूजा करती हैं, भरोसा है, इसका मतलब मेरे अपने भगवान पे भरोसा नहीं है। चलिए ठीक है, डरिए मत, आपको पकड़ाएंगे नहीं, काटेगा नहीं, इन्हें भगवान पे भरोसा नहीं, अपने भगवान पे आपको पकड़ा जाता है, पकड़िए, इधर आइए, तुम आइए। अरे यार ये काटेगा नहीं, आओ ये काट रहा बच्चा, ये भाई तो बिल्कुल तुम भाग, छोड़ो तुम भागना मत, और नहीं रुको, हम अभी काटेगा नहीं, हम हम इतने चिल्ला के इतना डर है, शोर मत मचाइए थोड़ा, यह शोर मत मचाइए, यह रेड स्नेक है, इसको हिंदी में धामन कहते हैं, बारी बारी फिर से बता रहा हूँ, यह जहरीला नहीं होता है, जल्दी काटे के बाद कुल चढ़ा था भाई, यह जहरीला हो चाहे ना हो, किसने कह दिया, जीव को देखा जी, कुछ लोग ये भी कहते ना जीव से फाड़ता है साहब, देखिए हमारे हाथ पे जीव निकाला कहीं फाड़ रहा है, नहीं फाड़ रहा ना, ये काटेगा भी नहीं, ये काटने वाला सर्प नहीं है, इसलिए इंसानों को यही समझाता रहता हूँ कैसे सांपों को मरना मारे, ये हमारे पर्यावरण को काफी संतुलन बना के रखता है, ये रोज 6-7 चूहों को, कम से कम 4-5 चूहों को रोज खाता है, ये चूहों की जनसंख्या खत्म करता है, अगर चूहे ज्यादा हो जाएंगे क्या करेंगे, हमारी फसल को नष्ट करेंगे, जिस खेत में लग जाते हैं चूहे तो वहां फसल क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं ना, ना डर क्यों रहे हो, इधर आइए आइए, नहीं काटेगा तो तेरा चली गई ना, ही सारी जो कुछ के पकड़ का जो ये कौन रखवा दे रहे, आइए यार तुम इधर आइए, हम अब एक एक लोग, एक एक लोग पकड़ो बेटा, पकड़ो बेटा, एक एक लोग, एक ऐसे नहीं, थोड़ा दूर हटिए, बच्ची पकड़े इसको पकड़ने, तो थोड़ा दूर हटो, थोड़ा दूर हटो, इधर बेटा, ये बेटे हिम्मत कर रहे हैं, बहादुर बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा इसे लोग डरा रहे हैं, चौंका रहे हैं, ये डरेगा, हाँ थोड़ा हाथ धो लेना बेटा, क्योंकि ये कीचड़ में डोलते रहते हैं ना, आइए बेटा इधर आ बेटा, होगा भैया पकड़ो इसको, इसे पकड़ लीजिए, पकड़िए, डरिए मत, हम कह रहे हैं पकड़ेंगे नहीं, तो पकड़ना छूने में क्या अंतर है, पकड़ो इसको, हम कह रहे हैं पकड़ो इसको, काटेगा नहीं, ये काट रहा है कहीं, ये काट रहा कहीं, देख रहे हो कहीं बाइट करने की कोशिश, तुम पकड़े रहो, मैं पकड़, बहन जी आप इधर आइए, इधर आइए, हमारा मकसद ये है लोगों का डर दूर करना, जो अंधविश्वास फैलाया गया सांपों के बारे में, उसको मारे ना बेचारे को, यह बेचारा बेकसूर मारा जाता है, इसका कोई दोष नहीं है, जहरीला भी नहीं है, यह काफी फ्रेंडली है, इंसानों को काटता नहीं है, यह इंसान का दोस्त बनकर रह जाएगा, हम पूरी दारा के साथ नहीं काटेगा, थोड़ा सा हिम्मत बानी है, आप खड़े रहिए, थोड़ा खड़े रहिए, अरे यार क्या मर्द हो, हम भी आपकी तरह इंसान, कोई जादूगर नहीं हमारे पास, कोई तंत्र मंत्र, कोई जड़ी बूटी नहीं है, केवल क्या है, कला है, हाँ उस दिन आए थे उनको पकड़ाए थे ना, यही सर पता है, तो सांप को आप पहले पहचानिए, भली बात, जब आप सांप को पहचानेंगे तो मारेंगे नहीं, यह सांप हम इसलिए जागरूकता फैला रहे लोग मारे ना, क्योंकि यह काफी फ्रेंडली सर्फ होता है, धामन तो आप लोग पहचान लिया से ना, धामन जो है बीच में मोटी होते और इसकी पूंछ पतली, इसकी मुंडी पतली होती है, गर्दन है पतली होती है, तो यह धामन है, आप कोई भी पकड़ सकता है, अगर काट ले यार हम यहीं पे हैं, हम भरोसा, तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम्हारे दुश्मन थोड़ी है, पकड़िए इसको ऐसे रख लीजिए, हाथ हिल रहा है, छोड़ गई पकड़िए, हिल रहा है, डरिए मत यार, हिलेगा, देखिए काट रहा, अरे यार इस तरह, अच्छा तुम खाए रहो, नहीं काटेगा, देखिए इतना सहयोग करे, तो हमारे कैमरामैन दीपक यादव का सहयोग था कि इन्होंने हमारा हेल्प करा, इस वजह से सांप निकल गया, ये लोग इतना डर रहे हैं, इन्हें समझा रहा हूँ फिर भी अपने क्वालिटी का परिचय दे रहे हैं, चलिए नेक्स्ट मिलते हैं किसी वीडियो में, इसको हम विशेष कौशल तय करते हैं, फिर इसके अनुकूल तो वातावरण रिलीज कर देंगे,
जाइए मित्र इसके अंदर तुम तो।